हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आज हम लोग मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग रोज़ाना कई प्रकार के भोजन करते हैं जिसका हमारे शरीर में पाचन होता है। अब भोजन के पाचन के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र होता है, एक अंग होता है जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, चित्र में आप लोग देख रहे हैं। ये पाचन तंत्र देखिए, मुख गुहा से, यहाँ से मुख गुहा से लेकर के ये लंबी नली जाती है और ये क्वाइल के रूप में, कुंडली के रूप में होते हुए निचले भाग में खुलती है, जिसको गुदा द्वार कहते हैं। ये नली लगभग 7 मीटर होती है। इस पाचन तंत्र में दो ग्रंथियां होती हैं, एक होता है यकृत और दूसरा अग्न्याशय। ये है यकृत और ये है अग्न्याशय। यहाँ पर ये दोनों ग्रंथियां पाचक एंजाइम निकालती हैं जो भोजन का पाचन करती हैं। हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख गुहा से, यानी यहाँ से, मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है और निचले भाग में ये है बड़ी आंत, यहाँ पर भोजन के पाचन की समाप्ति होती है। भोजन का पाचन कई चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले भोजन का पाचन मुख गुहा में होता है। यहाँ पर भोजन को खूब चबाया जाता है और मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें से लार निकलता है और इसमें टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद भोजन यहाँ पर पहुँचता है आमाशय में। यहाँ पर भोजन 2-3 घंटे तक रुकता है और यहाँ पर कई एंजाइम निकलते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। पहला एंजाइम निकलता है पेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम निकलता है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। और एक एंजाइम यहाँ प्रोटीन पचाने वाला 5 साल तक के बच्चों में निकलता है, जिसे रेनिन कहते हैं। यह दूध को दही में बदलता है। इसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, ये क्वाइल के रूप में होता है, कुंडली के रूप में। इसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। छोटी आंत में भोजन के पहुंचने के पहले आमाशय और छोटी आंत के बीच में कैपिटल यू आकार की एक नली होती है, जिसको ग्रहणी कहते हैं। इस ग्रहणी में भोजन पहुंचता है आमाशय के बाद। यहाँ पर अग्न्याशय द्वारा एंजाइम निकलते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। यहीं पर यकृत द्वारा पित्त रस निकलता है, जो अम्लीय माध्यम को नष्ट करता है। अग्न्याशय द्वारा भी एंजाइम निकलते हैं, जिसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलता है, जिसे ट्रिप्सिन कहते हैं, और वसा के पाचन के लिए लाइपेज निकलता है। इसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। यहाँ पर सभी प्रकार के पोषक तत्व पूर्ण रूप से पचा लिए जाते हैं। इसके बाद भोजन का अपचा हुआ भाग पहुँचता है बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत का अंतिम सिरा मलाशय कहा जाता है, जहाँ पर अपचा हुआ भोजन मल के रूप में एकत्र होता रहता है। बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं निकलता है, केवल यहाँ पर भोजन में उपस्थित जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। इसके बाद अपचा हुआ भोजन मल के रूप में इस गुदा द्वार के द्वारा बाहर
निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है।